चुनाव क्योंकि नजदीक है उसकी बात करते हैं। आपकी पार्टी क्या इस बार किसी के साथ गठबंधन के साथ आएगी, क्योंकि एक बार आपका गठबंधन हुआ राहुल गांधी कांग्रेस के साथ, फ्लॉप साबित हुआ, सक्सेस नहीं मिली, उसके बाद मायावती के साथ लोकसभा चुनाव में किया, उसमें आपने कहा कि बहुत गलती हो गई, तो इस बार किन लोगों के साथ आप गठबंधन करेंगे या अकेले चुनाव में लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करने नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं की राय यह है कि छोटे दलों को शामिल कर लिया जाए। समाजवादी पार्टी आने वाले समय के चुनाव में जो होने जा रहे हैं छोटे दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। कौन कौन? जयंत चौधरी। समाजवादी पार्टी का गठबंधन पहले से जयंत जी के साथ है, आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ है, इसी तरह महान दल के साथ समाजवादी पार्टी है, एक चौहान समाज का एक दल है संजय चौहान, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तो इसी तरह छोटे दलों को शामिल करने का काम समाजवादी पार्टी लगातार करती रही। मतलब कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी और मायावती दोनों से तौबा कर लिया आपने? दोनों को ही गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया था, दोनों से ही समाजवादी पार्टी का अनुभव कोई अच्छा नहीं रहा, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया कि बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, जो छोटे दल हैं उनको साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन प्रियंका गांधी काफी एक्टिव हैं यूपी में, जनरल सेक्रेटरी प्रभारी हैं यहाँ की, काफी काम कर रही हैं, कितना असर आप देखते हैं प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश के चुनाव में? मैं तो चाहता हूं और एक्टिव रहें, और फिर सभी दल हैं जो एक्टिव रहना चाहते हैं एक्टिव रहे, अंततः जनता ये तय करेगी आखिरकार उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर कौन ले जाएगा। आज जो विकास दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का, ये वही विकास है जिसको रोक दिया गया था। आज जो सबसे बड़े काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, आपके एक्सप्रेस वेज हैं, जिला मुख्यालयों को 4 लेन जोड़ने का है, आपके बिजली का उत्पादन, मैं उत्तर प्रदेश की जनता कम से कम ये जाने कि आज जो बिजली उपलब्ध हो रही है वो वही बिजली उपलब्ध हुई है जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुई थी, और उसमें भी ट्रांसमिशन लाइन हुई हो, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, वो समाजवादी सरकार में बना था। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती कि अस्पताल क्यों नहीं बने, उनसे जानना चाहती। योगी जी तो कह रहे हैं कि दोबारा से उनकी सरकार बनेगी, उतने बहुमत से बनेगी। वो तो बाबा संत हैं, वो तो चाहे न जाने क्या देख लेते हैं, आने वाले समय का देख लेते हैं, कल क्या होने वाला वो भी देख लेते हैं। पहले ये बताएं मुख्यमंत्री जी उस पार्टी के सदस्य हैं कि नहीं है, और उनसे कितने विधायक संतुष्ट हैं। आज भी अगर विधायकों की गिनती हो जाए तो ज्यादातर विधायक इस सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, और विधायक जिस दिन ये जान जाएंगे कि उनकी टिकट नहीं होने वाली है, टिकट कटने जा रही है, तो हो सकता है सदन बुलाए सरकार। आपको किसमें फायदा है, योगी के नाम से वोट मांगा जाए या मोदी के नाम से वोट मांगा जाए? समाजवादी पार्टी विकास और खुशहाली के रास्ते पर उत्तर प्रदेश जाए, उत्तर प्रदेश की जनता विकास मिले उन्हें, खुशहाली के रास्ते पर जाए। उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें कभी वोट नहीं करेगी जिन्होंने कब्रिस्तान और शमशान की बात की हो, और इतना दुख दर्द तकलीफ जनता को कभी नहीं मिली होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। एक सवाल और उठता है अखिलेश जी, आपके चाचा शिवपाल यादव सालों से रहे संगठन देखते थे पार्टी का, मुलायम सिंह के बाद नंबर 2 थे, अब वो नाराज हैं, अलग हैं, क्या उनको भी लाने की कोशिश होगी चुनाव से पहले, वो भी आपकी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी और उनकी एक सीट है जसवंत नगर, उनको समाजवादी पार्टी ने उस सीट पर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर उनके साथ कोई है जो राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से कहीं लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी विचार करेगी, और इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी छोटे दल हैं उनको साथ लेकर के समाजवादी पार्टी चलेगी। मतलब आपके चाचा और हमारे उनका भी दल है, उनका भी दल है, उस दल को भी साथ लेगी समाजवादी पार्टी। मतलब गठबंधन होगा या आपके पास वापिस परिवार में आ जाएंगे वो? गठबंधन, समाजवादी पार्टी में नहीं आएंगे वो, चाचा तो है लेकिन गठबंधन होगा उनके दल के साथ।